जय माता दी। दोस्तों, माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूं साल 2023 में परिवर्तनी एकादशी जो है वो कब पड़ रही है, किस दिन पड़ रही है, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पारण का समय क्या रहेगा, पूजा विधि क्या रहेगी। आज के वीडियो में बहुत ही डिटेल से बात जो है वो करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले अगर मैं बात करूं परिवर्तनी एकादशी की, तो भगवान श्री हरि विष्णु के वामन अवतार की इस दिन पूजा की जाती है। इसे कई क्षेत्रों में मनाया जाता है। इस एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए इस एकादशी को परिवर्तनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसे पद्मा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत में भगवान श्री हरि विष्णु के वामन अवतार की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन अगर आप पूरे विधिवत पूजा करते हैं तो आपको वाजपेय यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है और मनुष्य के समस्त पाप जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं। यह देवी लक्ष्मी का सबसे प्रिय व्रत माना गया है, इसलिए इस दिन माता लक्ष्मी की भी पूजा करना श्रेष्ठ माना गया है। परिवर्तनी एकादशी के व्रत के पूजा विधि के बारे में अगर मैं एक नज़र डालूं, तो एकादशी का व्रत रखने वाले मनुष्य को व्रत के दिन दसवीं तिथि से सूर्यास्त के समय से ही भोजन जो है वो त्याग कर देना चाहिए। एक दिन पहले से ही सारी तैयारी जो है वो कर लेना चाहिए। इसके बाद रात्रि में भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए सोना चाहिए। व्रत करने वाले दिन सुबह उठकर भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करें, स्नान के बाद व्रत का संकल्प करें। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा के समक्ष घी का दीपक जलाएं। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा में तुलसी दल, ऋतुफल और तिल का उपयोग करें। व्रत के दिन अन्न ना ग्रहण करें। शाम को पूजा के बाद फल ग्रहण कर सकते हैं, फलाहारी जो है वो कर सकते हैं। व्रत के दिन दूसरों की बुराई करने से, झूठ बोलने से, निंदा करने से जो है वो बचना चाहिए। इस दिन तांबा, चावल, दही का दान करना चाहिए। एकादशी के अगले दिन द्वादशी को सूर्योदय के बाद पारण करना चाहिए। जरूरतमंद व्यक्ति को या ब्राह्मण को भोजन और दक्षिणा जो है वो देकर व्रत खोलना चाहिए। साथ ही साथ चाहे तो व्रती हो या ना भी हो, मतलब जो व्रत रख रहे हैं या जो व्रत नहीं रख रहे हैं, दोनों को भी एकादशी व्रत के दिन चावल का निषेध बताया गया है। पूर्णतया चावल जो है वो ना बनाए जाते हैं ना खाए जाते हैं। द्वादशी वाले दिन चावल जो है वो बनाकर खाने से व्रत पूर्ण जो है वो माना गया है। अब अगर मैं परिवर्तनी एकादशी के व्रत के मुहूर्त की बात करूं, तो परिवर्तनी एकादशी व्रत जो पारण का समय है वो 26 सितंबर को रहेगा और इसका जो समय है वो सुबह 6:32 से लेकर 8:33 तक रहेगा। इस बीच आप कभी भी पारण जो है वो कर सकते हैं। अगर मैं व्रत की बात करूँ कि जो व्रत है वो कब रखा जाएगा, तो 25 सितंबर को दिन सोमवार को साल 2023 में परिवर्तनी एकादशी का व्रत जो है वो रखा जाएगा। अगर मैं महत्व के बारे में बात करूं, तो मान्यता है कि एकादशी का व्रत करने से, कथा सुनने से व्यक्ति के सभी कष्टों का निवारण हो जाता है और भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा जो है वो उनके ऊपर बनी रहती है। साथ ही साथ व्रत करने से मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और व्रत की कथा सुनने से व्यक्ति को सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है, इसलिए एकादशी का व्रत जो है वो ज़रूर करना चाहिए। साथ ही साथ पुराणों में ऐसा वर्णन किया गया है कि जो भी व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है उसके पितरों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है और एकादशी व्रत के दौरान हवन, यज्ञ या वैदिक कर्मकांड जो है वो करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसलिए एकादशी का व्रत जो है वो ज़रूर करना चाहिए। तो आने वाली 25 सितंबर को दिन सोमवार को परिवर्तनी एकादशी का व्रत जो है वो ज़रूर कीजिए। अगर आप करने में सक्षम हैं तो ज़रूर कीजिए इस व्रत को और अपनी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर लीजिए। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ। दोस्तों, जय माता दी।